कलर्स टीवी पर कुछ समय पहले ही शुरू हुआ शो सन जलने लगा पर निकल कर आ गई है बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज। इस शो का टाइम स्लॉट चेंज होने वाला है और टाइम स्लॉट पर बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जिस न्यूज को जानकर इसके फैंस को जोर का झटका लगने वाला है। तो क्या है पूरी खबर, आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कलर्स टीवी के न्यूली लॉन्च शो सांड जलने लगा को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस शो में हमें मेन लीड्स के तौर पर नजर आ रहे हैं आपके फेवरेट कनिका मान, जो इस शो में हमें तारा के रोल में नजर आ रही है। उनके अलावा इस शो में हमें विशाल आदित्य सिंह देवा के रोल में नजर आ रही है। कनिका और विशाल आदित्य सिंह की जो केमिस्ट्री है वो फैंस को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रही है। अब इस शो पर बहुत बड़ी खबर निकल कर रही है क्योंकि आपके फेवरेट शो को टाइम स्लॉट मिल चुका है। ये शो अभी तो हमें 9:30 के टाइम स्लॉट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बिल्कुल नया शो जिसका नाम है मेरा बालम थानेदार, वो शो रिप्लेस करने वाला है सन जलने लगा को। उसके साथ ही सन जलने लगा को बिल्कुल नया टाइम स्लॉट मिल चुका है। ये शो हमें 1 जनवरी से हर रोज शाम के 6 बजे देखने को मिलेगा। सन जलने लगा टू शिफ्ट टू 6 PM अर्ली स्लॉट आफ्टर 1 जनवरी मेकिंग वे फॉर मेरा बालम थानेदार। तो काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल कर रही है इस शो पर क्योंकि इस शो की जो TRP है 9:30 के टाइम स्लॉट पर बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आ रहा था। उसके बाद भी इस शो का जो टाइम स्लॉट है उसको चेंज किया जा रहा है। तो देखने बात होगी 6 बजे के टाइम स्लॉट पर इस शो का TRP कैसा निकल कर आता है। कुछ समय पहले हमें कलर्स टीवी पर 6 बजे के टाइम स्लॉट पर सभी की सवारी देखने को मिला था, उस शो का TRP भी काफी ज्यादा अच्छा था 6 बजे के टाइम स्लॉट पर, क्योंकि कलर्स टीवी पर अर्ली स्लॉट की जो TRP है वो काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो देखने की बात होगी सन जलने लगा की TRP कैसा निकल कर आता है। तो क्या आप देखते हैं इसको, आपको देवा और तारा की कहानी कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। अगर वीडियो देखने में अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नए अपडेट्स के लिए देखते रहिए एंटरटेनमेंट की बात, जहां पर हम देते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले।